खबरों के जरिए नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पहली दफा साजिश नहीं हो रही, खबरों के जरिए नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिशों की एक तवील दास्तान है। वजीर इत्तलात का कहना है कि पाकिस्तान तरक्की का सफर शुरू करता है तो कुछ ताकतें सफर रोकने मैदान में आ जाती हैं। 1997 में भी नवाज शरीफ पर साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज के कत्ल का इल्जाम लगाया गया, जब उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया गया और दोबारा इंतखाबात हो रहे हैं और इंतखाबात नवाज शरीफ साहब नजर आ रहा है कि जीत जाएंगे, तो अखबार में खबर छाप दी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कत्ल, यानी वजीर आजम नवाज शरीफ ने कंगी के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कत्ल कर दिया। परवेज रशीद ने कहा कि इमरान खान खुद बरतानिया में गोल्ड स्मिथ की इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, कह के ये गए कि मैं लंदन किसी तफ्तीश के लिए जा रहा हूं, हालांकि वो लंदन गए गोल्ड स्मिथ की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए, कल भी एक जलसा किया उन्होंने गोल्ड स्मिथ के लिए। वजीर इत्तलात ने भुंबर आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब में बताया कि वजीर आजम की तबीयत बेहतर है और वो जल्द ही वतन वापस आएंगे और तमाम साजिशों का मुकाबला करेंगे।